हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको ब्यूटीफुल सी स्लीव बना के दिखाऊंगी। आप देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाकर दिखाया है मैंने स्लीव को। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का फैब्रिक है, उसके ऊपर मैं मार्किंग करूँगी। तो मैंने ये फोर फोल्ड बिछा रखा है। स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए, स्लीव की जो लेंथ रख रही हूँ मैं 10 इंचेस रखूँगी, और जो हमारी स्लीव की जो विड्थ रहेगी, मतलब जो हमारा आर्म होल रहेगा, मैंने 7 इंच रखा है। 7 इंच में आप 2 इंच मार्जिन रख लीजिए इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे मैं 3 इंच डाउन एक निशान लगाऊंगी, और ऊपर साइड से भी हम 3 इंच का एक निशान लगाएंगे स्लीव का शेप देने के लिए। और यहाँ से हम बॉटम लेंगे, तो 6 इंच है मेरा बॉटम, और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, लाइन हम मिला देंगे, तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमने निशान लगाया था उस पर हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हमें शेप देंगे। आप चाहें तो फ्री हैंड भी शेप दे सकते हैं, या फिर आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से भी आप शेप दे सकते हैं। आप देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव की जो गहराई का शेप होता है वो मैंने दे दिया है। और इसके बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। तो देखिए, जैसे हमने निशान लगाया है वैसे ही रख के हमें कटिंग कर लेनी है। पहले हमें जो है आर्म होल की गोलाई का जो हमने शेप दिया है, पहले हमें जो आउटर मार्क है उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से कट कर लिया। इसको हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे, फिर हमें अंदर की भी गोलाई का शेप जो है हमने दिया था वो भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 2 स्लीव कट हो जाएंगी। यहाँ से जॉइंट था तो इसे भी मैं अलग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी 2 स्लीव मैंने कट कर ली है लाइनिंग के ऊपर। अब जो हमारा मेन फैब्रिक था उसके ऊपर रख के हम इसे ट्रेस करेंगे। तो देखिए, थोड़ी सी जो मेरा फैब्रिक है वो कम था, तो मैंने जो स्लीव की लेंथ है वो थोड़ी मैंने कम कर दी है। तो मैंने देखिए इसको इस तरह से रखना है। मैंने सीधे पे सीधे रखा है। सीधा रखने के बाद अगर आपका प्रिंटेड फैब्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर आपका इस तरीके का प्लेन फैब्रिक है तो आप सीधा और उसका उल्टा जो पार्ट होता है वो आप देख के ध्यान से रखें। तो मैंने सीधे पे सीधे रख के इसको पिनअप कर लिया है, और इसकी मैंने कटिंग भी कर ली है दोनों पीसेस की। अब मैं इसके ऊपर सिलाई करूँगी। तो यहाँ साइड पे मैं जो साइड में है वहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है, और बाकी हमें इसके बॉटम पे और उसके ऊपर साइड पे हम इसे पूरा स्लीव स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल किनारे से रख के हमें इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको निशान लगा के भी दिखा देती हूँ। ये थोड़ी सी चौक थोड़ी सी लाइट है, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से ये इस पर मैंने लाइनिंग कर दी है। अब मैं आपको इसमें सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। देखिए 1 फुट का गैप देते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे, और जैसे हमने शेप दिया है वैसे ही रख के हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए एक साइड में मैंने सिलाई नहीं करी है, और इसके बॉटम पर भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा दी। सेम ऐसे ही हम जो हमारी दूसरी वाली स्लीव है, सेम ऐसे ही हम इसको भी रेडी कर लेंगे, क्योंकि मैं दोनों स्लीव साथ के साथ बना रही हूँ। देखिए यहाँ से भी हम बराबर से रखते जाएंगे, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ तक मैंने रखा, यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। बिल्कुल ध्यान से कट करना है, क्योंकि आपका जो फैब्रिक है और थ्रेड वगैरह है वो कटने नहीं चाहिए। तो इसके लिए देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे कट लगा दिए। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। ये बहुत इजी तरीके से सीधा हो जाता है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैं इसे कैसे सीधा करती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने सीधा कर लेना है दोनों पीसेस को। जो हमारी स्लीव है उनको हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर हमें नॉर्मल आयरन कर लेना है। तो पहले मैं दोनों पीसेस को सीधा कर लेती हूँ। इसमें कुछ कॉर्नर वगैरह नहीं है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से इसे सीधा कर लोगे। देखिए हमारा फैब्रिक है, इसको मैंने सीधा कर लिया। इस पर मैंने आयरन कर लिया। आयरन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब देखिए हम इसको बीच में से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, तो ये दोनों साइड की स्लीव हमारी बन के आएगी। ये इसके ऊपर देखिए मेरा लेस था, बचा हुआ लेस है इस पर। ये हम इस फैब्रिक के साथ ही था, तो ये लेस थोड़ी कम है, तो इसको हम बीच में से रखेंगे और कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको हम देख लेंगे कितनी है ये। तो ये देखिए 12 इंच है। जो मेरा स्लीव का बॉटम था वो भी 12 इंच था, तो इसलिए देखिए इसको हम अपने बिल्कुल बराबर से रखेंगे और हम इसको लगा देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें लगानी कैसे है। देखिए मैंने स्लीव को बीच में से फोल्ड किया है, यहाँ से 6 इंच पे इधर साइड पे, और दूसरे साइड पे भी सेम ऐसे ही 6 इंच पे हम मार्क कर देंगे।
और दूसरे वाले स्लीव पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। स्लीव को बीच में से फोल्ड करना है, फोल्ड करने के बाद ऊपर साइड से जो फोल्डेड साइड है उधर से 6 इंच और दूसरे साइड पे भी हमें 6 इंच ही रखना है। इसके बाद हम स्लीव को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारी लेस है इसको हमें रख के इसके साथ अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से, अगर आपके पास बड़ी लेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास लेस कम होती है उस कंडीशन में आप इस तरीके से लगा सकते हो। इसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी तो 2.5 इंच का रखा है मैंने, 2.5 इंच लेंथ और विड्थ है इसकी। इसको हमें सबसे पहले क्या करना है, ट्रायंगल शेप में इस तरीके से फोल्ड किया, फिर एक और बार हम इसको इसी तरीके से ट्रायंगल शेप में ही फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से दोनों साइड से हाफ हाफ करके हम मोड़ेंगे तो इस तरीके से डिज़ाइन बन के आएगी। सबसे पहले हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, फिर एक और बार फोल्ड करेंगे, फिर हमें हाफ हाफ करके दोनों साइड से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरीके से, यहाँ से भी इसी तरीके से मोड़ लेंगे तो इस तरीके से ये डिज़ाइन बन के आएगी। ऐसे ही मैं सारे पीसेस को मैं रेडी करके आपको दिखा देती हूँ। कुछ पीसेस में मैं इसी तरीके से सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैंने स्लीव पे लगानी है, स्लीव के बॉटम पे। आप चाहे तो अगर आपको इस तरीके की डिज़ाइन आप स्लीव पे ब्लाउज़ के नेक पे, कुर्तीज़ पे, आप कहीं पे भी लगा सकते हो, फ्रॉक वगैरह में भी लगा सकते हो। देखिए इस तरीके से ये बना के मैंने कुछ इस तरीके से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो इसकी जो थ्रेड वगैरह है इसे हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जॉइंट है, और जो अगर आपको लगता है कि एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो आप उसे भी कट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रखा है हमने, और इसको मैंने छोटे छोटे अलग कर लिए हैं। अब मैं आपको इसको अपने स्लीव के साथ रख के अटैच करके दिखाती हूँ कि कैसे इसे अटैच करना है। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे इसको। अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप इसे पहले कच्चा कर लीजिए। अगर आपको पास पास लगाना हो तो आप पास पास भी लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी गैपिंग रखनी हो तो आप गैपिंग में भी रख के लगा सकते हैं। दोनों कंडीशन में अच्छी ही लगेगी। तो मैं थोड़ा सा गैप दे रही हूँ दोनों के, इन सबके बीच में थोड़ा सा गैप दूंगी, और इस तरीके से रखेंगे हम पूरा जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम रखेंगे। और इसके ऊपर हमने जो हमारी लेस है इसको हम इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से रखा, और हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। ये सारी चीज़ें मैंने स्लीव के जो सीधा वाला साइड होता है उधर साइड पे लगा रही हूँ मैं, हमारे ये लाइनिंग के साइड पे नहीं लगानी है, ये हमारा जो सीधा वाला पार्ट है उसके साइड पे ये लगानी है। तो देखिए मैं ये साथ के साथ लगा रही हूँ, लेस के साथ ही इसे रख के अटैच करूँगी। तो थोड़ी थोड़ी गैपिंग पे मैं इसको इस तरीके से रखती जाऊँगी, और यहाँ पे हमें साथ के साथ सिलाई लगाते जाना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्टर को ई पे रखा है और लेंथ को मैंने एसएस पे रखा है, तो इस तरीके से थोड़ी सी डिज़ाइन बन के आएगी, तो ये बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाएगा। आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी इस पे लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे, जो गैपिंग है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल बराबर से रखना है, यहाँ से रखा, इसको बिल्कुल बराबर से रखते जाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे भी बराबर से रख लिया, किनारे तक हम रखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ से नीडल को घुमा देंगे और हमारी जो लेस है उसको हम रख के अटैच कर लेंगे ऊपर साइड पे भी, ताकि जो हमारी लेस है वो खुले नहीं। तो देखिए यहाँ से भी हो गया, इधर साइड से भी हम सिलाई इसमें लगा लेंगे। देखिए यहाँ से घुमाया, यहाँ पे भी हमें फिक्स कर लेना है और हमें नीचे तक सिलाई लगा देनी है। दूसरी वाली स्लीव को भी सेम हम ऐसे ही बनाएंगे। आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसमें ये डिज़ाइन जो हमारी बन के रेडी हो चुकी है। जो दूसरा वाला पार्ट था, दूसरी वाली स्लीव है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, आप लोग बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़ होते हो। तो देखिए इस तरीके से रखना, हमने लेस को सीधा रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे किनारे से हम इसमें रखते जाएंगे, और इसके ऊपर हमने सिलाई लगाते जानी है। बहुत आसान है इसे इसमें सिलाई लगाना, तो जो गैपिंग है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से रखते जाएंगे हम, ये बिल्कुल बराबर से रखा हमने, और यहाँ पे रखते जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ से हम घुमा देंगे रिडल को, और इसके ऊपर भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ से भी हम टर्न कर लेंगे, और यहाँ पे फिक्स करने के बाद यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव में डिज़ाइन बना के इस तरीके से रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो ये लेस कम है इस वजह से ये इस तरीके से दिख रही है। जब आप इसमें हम सिलाई लगा देंगे फिटिंग की तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको इसकी जो हमें निशान लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो इसकी फिटिंग का जो निशान है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्लीव बॉटम था 6 इंच, यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और आर्म होल की साइड पे हम 8 इंच पे रख के निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे रखा और यहाँ पे हम इस तरीके से तिरछी लाइन मिला देंगे और इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा देनी है। दूसरी स्लीव पे भी सेम ऐसा ही करेंगे, यहाँ से भी हम 6 इंच लेंगे और यहाँ से हम 8 इंच लेंगे। आर्म होल की साइड पर 8 इंच और बॉटम के साइड पर 6 इंच, इस तरीके से लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें नॉर्मल सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ से रखा, यहाँ से हम पूरा बराबर से ले जाएंगे और दूसरी स्लीव को भी सेम ऐसे ही हमें रख के अटैच कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव को अटैच कर लिया है। इसके बाद मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। तो इसको बहुत ईजी है, आप देख सकते हो। ये देखिए ये कुछ बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो मैं इसको पहले अच्छे से सीधा कर लेती हूँ। सीधा करने के बाद आप चाहे तो इस पर आयरन कर लीजिए तो इस ये थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा, इसका लुक आएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, मैंने जो ब्लाउज़ बनाई थी जिस ब्लाउज़ का ये स्लीव है उसके ऊपर मैं आपको इसे रख के दिखाती हूँ कि कैसे इसे हमें अटैच करना है। तो देखिए इसी स्लीव का ये ब्लाउज़ था, देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल सी ब्लाउज़ है। ये प्रिंसेस कट की 3 पीस ब्लाउज़ थी ये। इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसे जाके देख सकते हो अगर आपको ये वीडियो देखनी हो। तो आइए हम इसमें अपनी ब्लाउज़ को रख के बताती हूँ कैसे हमें इसमें स्लीव लगानी है। तो पहले हमें फैब्रिक को उल्टा कर लेना है, जो हमारी ब्लाउज़ है उसको हम उल्टा साइड कर लेंगे, स्लीव हमारी सीधी रहेगी। इसको देखिए हम इसके अंदर से रखेंगे और इसको हमें गुलाई में लगानी है। तो देखिए हमें इस तरीके से रखने के बाद यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा सिलाई वाला पोर्शन है उसको अंदर साइड को मोड़ने के बाद इसको हम अपने स्लीव के साथ अटैच कर लेंगे। देखिए इसको हम निकाल देंगे शटल बॉक्स को, यहाँ पे शटल को, और यहाँ पे हम ऊपर कर लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरीके से रखा, इसको हम अंदर साइड को टर्न करेंगे ऐसे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो 1/2 इंच का गैप देते हुए इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। देखिए इस तरीके से बहुत आसान होती है इस तरीके से स्लीव लगानी और ये देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे मैं ये पूरी स्लीव को इसी तरीके से रख के अटैच कर लूँगी। दूसरी वाली स्लीव भी हम ऐसे ही रख के अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो 2 बार इस पर सिलाई लगा सकते हैं। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से मैंने दोनों स्लीव को रख के इसके साथ अटैच कर लिया है। अटैच होने के बाद ये कुछ हमारी ब्लाउज़ इस तरीके से नज़र आएगी, देख सकते हो आप। तो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।